क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भयानक हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस को पुलिस ने केवल 4 दिनों के अंदर ही सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी ये केस कानपुर के सेशन कोर्ट में आज भी पड़ा हुआ है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योति दसानी मर्डर केस। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक कानपुर की। यहाँ पर एक जाने माने बिजनेसमैन ओम प्रकाश दसानी रहते हैं। इनके 2 बेटे थे जिनमें से बड़े वाले बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी और छोटा बेटा पीयूष अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। पीयूष की शादी हो चुकी थी। शादी जबलपुर के एक जाने माने बिजनेसमैन शंकर नामदेव की बेटी से हुई थी जिसका नाम था ज्योति नामदेव। ज्योति और पीयूष की शादी एक अरेंज मैरिज थी। धीरे धीरे शादी को 2 साल बीत गए और अब आ गया 27 जुलाई 2014 का दिन। ये दिन था संडे का। पति पत्नी पीयूष और ज्योति इस छुट्टी के दिन को और भी मजेदार बनाने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और सुबह में करीब 11 बजे अपनी होंडा अकॉर्ड गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। ये सीधे पहुंचते हैं एक बेहद ही स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवल रेस्टोरेंट में। पीयूष पहले ही इस रेस्टोरेंट का एक टेबल बुक कर रखा था। ये दोनों उस टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और लंच ऑर्डर कर देते हैं। करीब 1-1.5 घंटा उस रेस्टोरेंट में बिताने के बाद अब ये दोनों घर के लिए रवाना होते हैं। गाड़ी घर की ओर चल रही थी लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। अचानक से 2 बाइक वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं और ये जैसे गाड़ी को ओवरटेक ही नहीं करने दे रहे थे। आगे चलकर थोड़ा सुनसान इलाका आया जहां पर इन्होंने पीयूष की गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाया। उन दोनों बाइक से करीब 4 लड़के उतरे और पीयूष को बाहर निकालकर खूब पिटाई की। ज्योति भी अपने पति को बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन इन गुंडों ने उसे कार में ही पकड़ रखा था और उसके मुंह को दबाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ये पीयूष को सड़क पर छोड़कर ज्योति को कार में ही किडनैप करके ले गए। पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति को फोन किया तो उसने तुरंत फोन उठाया और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन तभी एक किडनैपर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और फोन काट दिया। इसके बाद से कभी दोबारा फोन नहीं लगा। पीयूष रोड पर रो रहा था, इधर उधर भाग कर मदद ढूंढ रहा था। काफी देर बाद उसे एक बाइक सवार रास्ते से गुजरता हुआ दिखता है। पीयूष उसे रुकवाकर लिफ्ट मांगता है और कहता है कि मुझे रावतपुर पुलिस स्टेशन लेकर चलो। बाइक वाला मान जाता है और पीयूष को पुलिस स्टेशन के पास ले जाकर छोड़ देता है। पीयूष पुलिस स्टेशन गया और उसके साथ जो जो घटनाएं घटी थी वो सब कुछ बताया। पुलिस वालों को जब पता चला कि ये एक अरबपति बिजनेसमैन की बहू का मामला है तो ये हरकत में आ गए। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पीयूष अपने घर आ गया और घर वालों को भी पत्नी के बारे में बताया, जिसके बाद से यहाँ पर भी रोना पीटना शुरू हो गया। अभी 2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और आज दिन दहाड़े गुंडे इनकी बहू को उठा ले गए। पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स घर पर आए और पीयूष से कुछ जानकारियाँ हासिल की, जैसे कि गाड़ी का नंबर, उनका हुलिया वगैरह। पुलिस ने सोचा कि ये किडनैपिंग का मामला है, हो सकता है कि कुछ देर में फिरौती का कॉल भी आए, क्योंकि उन दिनों यूपी में किडनैपिंग होता रहता था। पुलिस ने गाड़ी की डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन्स में भिजवा दिए। जिस रास्ते पर ये वारदात हुआ था पुलिस वाले उस रास्ते से गाड़ी ढूंढना शुरू कर दिए। कुछ 1.5 घंटे बाद पुलिस को खबर मिली कि गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी है और गाड़ी के अंदर खून से लथपथ ज्योति की लाश पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कत्ल हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुआ था क्योंकि खून अभी भी शरीर से निकल रहा था। अब तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने वाला था क्योंकि दिन दहाड़े एक पावरफुल बिजनेसमैन की बहू की हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस भी टेंशन में आ गई। घर के लोगों का भी बुरा हाल हो चुका था। रात के करीब 2 बजे घर वालों ने ज्योति के माता पिता को भी इस बारे में बताया, जिसके बाद कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर आ गए। दोपहर में जब बॉडी मिला तो इसे यहीं से सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था। ये सब कुछ 2.5 से 3 घंटे के अंदर हुआ और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर ज्योति को किडनैप किया तो उसकी हत्या क्यों की। ज्योति के लिए ये शहर नया था तो इसकी दुश्मनी किससे हो गई। घर वाले हॉस्पिटल आए, पीयूष भी साथ आया था, उसका भी लगातार रोना धोना चल रहा था। यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर भी थे जिनकी नज़र पीयूष पर गई। ये घर पर भी थे और परिवार को लेकर हॉस्पिटल भी आए थे। इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि घर पर पीयूष ने कोई और कपड़ा पहना था और जब हॉस्पिटल आया तो कोई दूसरा कपड़ा पहना था। इन्होंने अपने मन में सोचा कि जिस इंसान की बीवी की डेथ हुई है, जिसका रो रोकर बुरा हाल है, भला इसे ऐसा क्या आन पड़ा कि इसे टी शर्ट बदलना पड़ गया। घर में इतना बड़ा कांड हो गया, लोग जिस हाल में थे वैसे ही हॉस्पिटल आए, लेकिन केवल पीयूष ही कपड़े बदल कर क्यों आया।
ये बात ऑफिसर को पची नहीं, इन्होंने एक सीनियर को इस बारे में बताया। सीनियर को भी ये चीज़ अजीब लगा। अब से पुलिस का नज़रिया बदल गया और पीयूष को संदिग्ध मानने लग गए। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। ज्योति के शरीर पर किसी धारदार हथियार से 17 बार वार किया गया था। कातिल ने इसे इतनी बेरहमी से मारा कि इसके बचने की कोई भी गुंजाइश न रह जाए। पुलिस कार्निवल रेस्टोरेंट जाकर ये वेरीफाई करती है कि क्या ये कपल यहाँ आए थे। जब CCTV चेक किया गया तो उसमें एक अजीब चीज़ सामने आई। पुलिस ने नोटिस किया कि पीयूष और ज्योति एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ज्योति खाना खा रही थी और पीयूष फोन पर लगा हुआ था। कभी वो मैसेज कर रहा था तो कभी वो कॉल पे बात कर रहा था। पुलिस के मन में अब ढेर सारे सवाल घूमने लगे। जब ज्योति को किडनैप किया गया तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस को 1 घंटे बाद किडनैपिंग की खबर क्यों मिली? घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक और पुलिस स्टेशन था, पीयूष वहां क्यों नहीं गया? जब ये पुलिस स्टेशन आया था तब इसने बताया कि गुंडों ने इसके साथ मारपीट की थी, लेकिन इसके शरीर पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी या घाव का निशान नहीं था। पुलिस के सामने अब 3 बातें घूमने लगी। पहला, ज्योति और पीयूष का एक दूसरे से बात न करना और पीयूष का बार बार फोन चेक करना। दूसरा ये कि मारपीट के बाद पीयूष के शरीर पर कोई भी घाव का निशान नहीं होना। तीसरा, पीयूष का हॉस्पिटल और घर पर अलग अलग कपड़े पहनना। कुल मिलाकर सारा शक पीयूष पर आ गया था। ज्योति का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके थे। बड़े बड़े लोगों का घर पर आना जाना लगा हुआ था। 2 साल पहले ही इतनी धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। पुलिस ने पीयूष के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए, जिसमें पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने 1 नंबर पर करीब 150 मैसेज किए थे। इसके अलावा काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें भी हुई थीं। पुलिस ने देखा कि करीब 2-3 सालों से इस नंबर पर लंबी लंबी बातें हो रही थीं। रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक ज़्यादातर इसी नंबर पर पीयूष की बातें होती थीं। ये नंबर था मनीषा माखीजा नाम की एक लड़की का। इसके पिता भी एक जाने माने बिजनेसमैन थे। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से कनेक्शन था, जिसकी वजह से शायद मनीषा और पीयूष की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे बात सामने आ रही थी, मनीषा के साथ पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। क्या मनीषा और पीयूष ने अपने प्यार के लिए ज्योति की हत्या करवा दी? मनीषा माखीजा और पीयूष दसानी दोनों बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इन्हें ऐसे ही उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते थे। पुलिस ने पहले तो सारे सबूत इकट्ठा किए, जैसे कि दोनों के कॉल डिटेल्स, मैसेजेस वगैरह वगैरह। हत्या हुई थी 27 जुलाई को और इसके तीसरे दिन यानी 31 जुलाई 2014 को पुलिस ने पीयूष को भी थाने बुला लिया। इसे लगा कि शायद ये इकलौता चश्मदीद गवाह है, इसलिए पुलिस वाले इसका बयान रिकॉर्ड करेंगे। थाने पहुंचने के बाद पता चला कि इसे बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। पहले तो पुलिस वालों ने सारे सबूत पीयूष के सामने रखे और कहा, हमें शक है कि तुमने ही अपनी बीवी ज्योति की हत्या करवाई है। लेकिन अभी भी पीयूष अपने पिछले वाले बयान पर अटका हुआ था कि कुछ गुंडे उसकी बीवी को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मनीषा को भी बुलवा रखा था और उससे दूसरे कमरे में पूछताछ चल रही थी। इन सब के बाद पीयूष और मनीषा की मुलाकात करवा दी जाती है। पीयूष मनीषा को देखकर चौंक गया और पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीयूष टूट गया और सारा सच उगल दिया। इसने बताया कि ये मनीषा से बहुत प्यार करता था और इससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक से इसकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की से तय हो गई। पीयूष ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि इसे डर था कि कहीं पिताजी गुस्से में आकर इसे बेदखल न कर दें, इसलिए मजबूरी में आकर इसे ज्योति से शादी करना पड़ा। लेकिन शादी के पहले दिन से ही पीयूष ज्योति को अपनी पत्नी नहीं मानता था। पुलिस को पीयूष के घर से ज्योति की एक डायरी भी मिली, जिसमें इसने अपनी सारी सच्चाई लिख रखी थी। ज्योति ने अपनी डायरी में लिखा था, मेरी शादी तो पीयूष से हो गई है, लेकिन ये मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं। किसी भी फंक्शन में मुझे ये बस केवल दिखावे के लिए ले जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति ने यह भी लिखा कि मेरे पति का शायद किसी लड़की से अफेयर है, नाम तो नहीं पता लेकिन मुझे शक है। पीयूष रात रात भर घर से बाहर रहते हैं और भोर में घर पर आते हैं। मैंने इनके माता पिता से बात की थी, लेकिन इन्होंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इन सब की वजह से ये मुझे कई बार मानसिक रूप से परेशान भी करते हैं। ऐसे ही इसने अपनी सारी आप बीती डायरी में लिखी थी। अब आप जान लीजिए कि असल में उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि अब तक जो कुछ भी मैंने बताया वो पीयूष द्वारा रची हुई कहानी थी। जब पीयूष और ज्योति घर से निकले तब ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेनू भी साथ गए हुए थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ये दोनों कार के बैक सीट पर बैठे।
रेनू ड्राइवर के बगल में बैठी हुई थी। गाड़ी रेस्टोरेंट से कुछ दूर गई तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर ये ज्योति के ऊपर धारदार चाकू से वार करता गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। फिर इन्होंने खुद पर से सारे सबूत मिटाए और वहां से भाग गए। पीयूष भी वहीं पर था। फिर घंटे भर बाद पीयूष किसी बाइक वाले से लिफ्ट मांगकर पुलिस स्टेशन गया। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। पुलिस ने 4 दिनों के अंदर ही इस हाई प्रोफाइल केस को सबके सामने खोल दिया। सारे दोषियों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। इनका केस आज भी कानपुर के सेशन कोर्ट में चल रहा है। घटना के 6 साल बाद 2020 में पीयूष को 15 दिनों के लिए पेरोल पर छोड़ा गया क्योंकि इनके माता जी की तबीयत खराब थी। मनीषा को भी जमानत मिल गई थी। घटना को 8 साल हो गए हैं लेकिन ये केस आज भी सेशन कोर्ट में अटका पड़ा है। कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।